के चला रहे थे ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को गाली दी, पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, लगाओ चार्ज। ए सिंघम, चार्जेस तो मैं लगा सकता हूं तुझ पर, आम नागरिकों के साथ तूने कोऑपरेट नहीं किया, पब्लिक हरेसमेंट और बेवजह वायलेंस किया, ऑन ड्यूटी अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाया। ए, कोई एफआईआर नहीं लिखेगा तू और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इन पे, जाने दो इन्हें, दीज आर माय ऑर्डर्स। लेकिन सर ये, अबे चुप कर, सीनियर हूं तेरा, मुझे सिखाएगा तू बाजीराव सिंघम, चलो। क्या रे, मेरे आदमी लोग को अंदर कर दिया ना तूने? हाँ साला, उधर जयकान गरम है, इधर तू गरम है, इसलिए मामले को थोड़ा समय कूल करने को आ गया हूं। और अरे बाप रे, कुर्सी पे बैठू ना, मैं तो बाद में कुर्सी को ठपाक करके लात मार के मेरे को बोलेगा तूने ना तू? जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आई क्या बड़ीस करेक्ट बोलो कि नहीं यार? चल एक कटिंग मंगा ले, अदरक मार के। क्यों सिंघम, छोड़ देने मेरे आदमियों को, एफआईआर बन गया है तो फाड़ दे उसको, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, फाड़ना गैर कानूनी है। फाड़ दे रहे, ऐसे चार बुक नहीं प्रिंट करके चकाचक देर को देता हूं मैं, फाड़ दे। ज्यादा सोच मत, सीरियस से बोलता तेरे को, फाड़ दे। यही तो मैं समझा रहा था तेरे को सिंघम, ये फोकट की गर्मी और एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? एफआईआर क्यों फाड़ा? सिंघम, तेरे को पता है मैं कौन हूं, जयकांत कौन है? हाँ बोल, कौन है तू? बोलना कौन है तू? तात्या है। जानता ये कौन है? ये छोटू मेहनत से ईमानदारी से चाय पिलाकर दो पैसे कमाता है। तू कौन है? करप्शन से पैदा हुए गंदी नाली के कीड़े। औकात क्या तुम लोगों की? बोल, बोलना। तुमची औकात ताकत तो, इसने कदम के जीप में पैसे रखे थे, अब इसकी जीप में शराब के बैरल्स रखते हैं। स्मगलिंग का केस बनाओ, मीडिया बुलाओ। ए सिंघम, क्या हो क्या रहा है, पागल हो गया क्या तू? लिक्कर का केस डाल दिया, फिर मारपीट का चार्ज लगा दिया, उसके बाद खुद एफआईआर फाड़ के बेचारे शिवा को अंदर कर दिया, क्या चाल है क्या है? अरे बाप का राज है क्या? साहब, शिवा नायक ने हमारे सामने एफआईआर फाड़ा था। अरे हाँ सर, मैंने भी देखा था। जी सर, मैंने भी देखा था। अच्छा, तुम लोग सब अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। हाँ ठीक है, शिवा नायक ने एफआईआर फाड़ा, फिर भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं उसे रिलीज करो अभी इसी वक्त। अभी जो बोला वो राइटिंग में दीजिए, फिर सोचूंगा। तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं तेरा सीनियर। अबे चुप। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं, उस ऑफिसर से जो अरेस्ट होने से पहले गुंडों को छुड़वाने आ जाता है। हमारी ड्यूटी मुजरिमों को पकड़ने की है, उसके लिए पावर या पोस्टिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है, दम। तू इस जोन के डीएसपी से बात कर रहा है? डीएसपी से? और आप बाजीराव सिंघम से, जो सही के साथ सही और गलत के साथ सही करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। मैं क्या डिसमिस करेगा, सस्पेंड करेगा तो करना। तुम लोगों को इन चीजों से फर्क पड़ता होगा, मला फर्क नहीं पड़त। गांव जाऊंगा, मेहनत करूंगा, अपनी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे समीर में दम है। चुप कर,
छोटे से गांव का एक मामूली इंसान। अरे गांव या शहर, सरकार हम पुलिस वालों को एक जैसी वर्दी देती है जिसमें शेर का एम्बलम माथे पर होता है, लेकिन मेरे यहाँ है सीने पर। अपने सीनियर से जबान लड़ाता है, अपने सीनियर से नहीं, मैं उस पब्लिक सर्वेंट से जबान लड़ा रहा हूँ जो पब्लिक का नहीं, एक गुंडे का, जैका जिकरे का सर्वेंट है। भूल मत, मेरे कंट्रोल में 10 पुलिस स्टेशन है जिसमें से तेरा ही। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही एक पुलिस स्टेशन है, इसमें जो टांग अड़ाएगा मैं उसकी टांगे तोड़कर उससे सड़क पे भीख मंगवाऊंगा। अच्छा कावत, क्या है तुमने सब इधर? चला अपने अपने घर पे। पीछे ना, पुलिस, पीछे ना, सावन, मिलिया अकेले को नहीं गिरे, गाड़ी निकल। एक मिनट, आता हूँ, आता हूँ, एक मिनट।